मोदी सरकार का ये ताजा तरीन बजट दो रूठे वर्गों को मनाने के लिए है। मोदी सरकार के निशाने पर मध्यम वर्ग और किसान हैं। एक फील गुड माहौल बनाने की पूरी मशक्कत हुई है। राहुल गांधी ने बजट आने से पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आहटों को हवा क्या दे दी, ये घोषणा होते होते रह गई। रही बात किसानों की कर्ज माफी के वादे की, तो यहाँ भी राहुल बाजी मार गए, क्योंकि राहुल तो किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। 5 लाख की आय पर छूट की घोषणा से नोटबंदी और जीएसटी पर एक सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के जो मंत्रीगण बढ़ चढ़ कर ये दावे कर रहे थे कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से 3 करोड़ 67 लाख टैक्सपेयर बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गए, तो अब 5 लाख वाली घोषणा से 3 करोड़ करदाता कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वैसे भी ये सब जब तक फाइनेंस बिल में नहीं आएगा ये घोषणाएं लागू नहीं होंगी। फिस्कल डेफिसिट की बहुत बातें हुई और 4 साल तक 3.4 का लक्ष्य अब कैसे पूरा होगा। याद कीजिए साल 2014 का चुनावी साल, जब मनमोहन सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, मोदी ने उनसे बढ़ चढ़ कर तब मनमोहन से बड़े वादे कर दिए थे और तब जनता ने मोदी पर अपना भरोसा दिखाया था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और मोदी से बढ़ चढ़ कर बड़े वादे राहुल कर रहे हैं। क्या इतिहास पुनः दोहराया जाएगा? NTI पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।